अयोध्या मामले को लेकर आज जो फैसला आ रहा है उसको देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रदेश में एहतियात के तौर पर 32 सुरक्षा टुकड़ियां जो है तैनात की गई हैं। इसके अलावा 3000 जवान लगाए गए हैं। राजपत्रित अधिकारियों को भी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है और किसी भी सभा प्रदर्शन या विरोध की अनुमति नहीं देगी। किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अयोध्या फैसले के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया था, जिसके चलते आज कोई भी स्कूल और कॉलेज नहीं खोले गए हैं। वहीं आज शराब की दुकानें भी नहीं खोले जाने का निर्णय सरकार ने लिया था। मैं आपको बता दूं कि इसी फैसले के मद्देनजर मुख्य सचिव SR मोहंती ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बात के आदेश दे दिए हैं कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम रहे और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, जिसके पूरे पर्याप्त इंतजाम किया जाए। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जो अपना मंडला और जबलपुर का जो दौरा रखा था, जो तय कार्यक्रम था, वह आज निरस्त कर दिया गया है और वे भोपाल अब आज आ रहे हैं और पहुंच के वो कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है, ये लगभग 11:15 से 11:30 के बीच में पुलिस कंट्रोल रूम, भोपाल के जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पहुंचेंगे और वहां पे अधिकारियों से चर्चा कर फैसले के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति को भी समीक्षा करेंगे। वही मैं आपको बताऊं कि सरकार ने जो है इस फैसले के मद्देनजर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 9, 10 और 11 नवंबर तक प्रदेश के सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के लिए पीली बत्ती के उपयोग की अनुमति दे दी गई है, जिससे कि जो पहले बंद कर दी गई थी वो अब हो गई। मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर जो 32 सुरक्षा टुकड़ियां जो है तैनात की गई है, जिसमें 27 SAF की है व 5 SDF की टीम है, जो पूरे प्रदेश में मध्यप्रदेश में एक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके एहतियात व्यवस्था की गई है। जी।